आइए, आज हम आपको आलू और बेसन से इतनी टेस्टी सब्जी बनाकर दिखाएंगे। शायद ही आपने इस तरह से सब्जी बनाई होगी, अगर अच्छी लगी है तो इस तरह से बनाए जरूर। आइए आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे किस तरह से बनाई जाती है, और देखिए कितने सॉफ्ट है ये। देखिए इसके पीसेस बिल्कुल पनीर से कम नहीं है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं, देखिए किस तरह से टूट रहे हैं। ये सब्जी जरूर ट्राई करें, आइए हम बनाते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई सब्जी लाई हूँ। अगर आपको ये सब्जी समझ नहीं आ रही है, ये सब्जी नहीं है, तो आप इस तरह से ये नई सब्जी बना सकते हैं। देखिए इसके लिए हमने तीन आलू ले लिए हैं। आलूओं को हमने छील लिया है सिप्पी की सहायता से, और हमने तीन आलूओं को पानी में डाल दिया है जिससे ये काले ना पड़े। हम इनको कट करेंगे। ये पानी में डालकर हम इन्हें कट करेंगे इस तरह से, और पानी में डालते रहेंगे। देखिए आलू को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और ये पानी भी निकाल दिया है एक अच्छे से, क्योंकि इसमें सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। और ये हमने तीन हरी मिर्च काट ली है। अब एक जार ले लिया है, जार में अपनी हरी मिर्च को डाल देंगे, और इसमें आलू को डालेंगे और इन्हें ग्राइंड करेंगे, इसका बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए आलू को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और हम एक चलनी लेंगे और उसमें आलू को छान लेंगे। अगर कोई टुकड़ा होगा तो चलनी में आ जाएगा। आलू को हमने अच्छे से छान लिया है, देखिए ये जो मोटे रह गए हैं ये हमारे वेस्टीज हैं, इन्हें निकाल देंगे हम। अगर आप इसी तरह से छानेंगे नहीं तो ये काम आप जल्दी करेंगे, क्योंकि आलू काले पड़ जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। इसमें हम मिर्च डालेंगे आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक पीस अजवाइन डालेंगे, एक पीस हम चूर पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, एक चम्मच नमक डाला है हमने, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, एक पिंच गरम मसाला डालेंगे। अब इस तीन आलू में हम दो कटोरी बेसन ऐड करेंगे, ये हमने पहले से छान कर रखा है। दो कटोरी बेसन डाल दिया हमने, और इसको हम आपस में अच्छे से आटा हम आपकी तरह से मार लेंगे। देखिए बेसन मार के हमारा इस तरह का डोट तैयार हो गया है, ऊपर से हमने इसमें धनिया डाल दिया है, और इस तरह से देखिए ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, इस तरह का हमें डो तैयार करना है। हमारा तैयार हो गया है, अब हम आगे की ग्रेवी बनाएंगे। पहले सब्जी की कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, इसमें ऑयल डाल दिया हमने, देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और इसमें एक चम्मच हम जीरा डालेंगे, कुछ में खड़े मसाले डालेंगे, बड़ी इलायची है हमारी, छोटी इलायची और काली मिर्च, एक लाल मिर्च है हमारी, इनसे टेस्ट अच्छा आता है। ये जीरा हमारा अच्छे से लाल हो गया है, और इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। ये तीन टमाटर की हमने प्यूरी तैयार कर ली थी, अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं आप इसमें, हमने स्किप की है। आँच हमने धीमी रखी है, अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमने धनिया ले लिया है डेढ़ चम्मच, और लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है आधी चम्मच, और एक डेढ़ चम्मच नमक ले लिया है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और ये लाल मिर्च पाउडर ले लिया है आधी चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है। सभी मसालों को डाल देंगे और टमाटर में अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, और देखिए आ गया है निकल के बाहर मसालों से, और इसमें हम एक कटोरी पानी ऐड कर देंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा सा पनीर ऐड करेंगे, ये हमने पनीर ले लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। देखिए धीमी आंच करके हम इसे उबाल लगाएंगे। देखिए हमारा बैटर तैयार है रखा हुआ, और ये प्लेट ले ली है, इसमें ऑयल लगा लिया हमने, और इस बैटर को अपने इसमें फैला देंगे। प्लेट में हमने अच्छे से फैला दिया है, और इसको हम इस ग्रेवी के ऊपर रखेंगे। आज हमने धीमी रखी है, हम प्लेट रख देंगे इस तरह से, और ये हमारी 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाएंगी पक करके। देखिए 5 से 7 मिनट हो गई है, देखिए हम चक्कू से दिखाएंगे आपको। देखिए बिल्कुल भी चक्कू पे चिपक नहीं रहा है, देखिए बिल्कुल भी चिपक रहा है, हमारा तैयार हो गया है, और हम इसे धीरे से उतार लेंगे। देखिए इसके साथ हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है, देखिए कलर कितना अच्छा प्यारा आ गया है, ये बिल्कुल हमारी टाइट हो गई है। अब इसके हम इस तरह से पीसेस करेंगे, देखिए इतने इतने इस तरह से पनीर के पीस या पनीर के काटते हैं, इस तरह से हम काट लेंगे। देखिए पनीर की तरह पीसेस काट लेंगे, चाहे तो आप चकोर काट सकते हैं और चाहे इस तरह से काट सकते हैं। देखिए इस तरह से हम पीस को निकाल लेंगे और काट लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने निकाल लिए पीसेस, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने मुलायम हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। इस तरह से सारे पीसेस निकाल के तैयार कर लेंगे। इसमें हमने एक कटोरी पानी ऐड और कर दिया था और हमने अच्छे से पका लिया है और अपने पीसेस को इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए ऊपर से गर्म मसाला डालेंगे आधी चम्मच, ये तेज मसाला है इससे कमी डालेंगे। अभी एक मिनट और पका के गैस को बंद कर देंगे, सब्जी हमारी तैयार हो गई है। ऊपर से धनिया से गार्निश करेंगे, ऊपर से ही कटा हुआ पनीर, कसा हुआ पनीर डाल देंगे। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी जल्दी सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये आलू और हमने बेसन से बनाई है। या अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है, सब नहीं आ रही क्या बनाए, तो आप दो तीन आलू से इस तरह से सब्जी बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में, एक बार इसे जरूर ट्राई करें।